अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़रूक आज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप अब आप खैरियत से होंगे। दावत इस्लामी की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और काफ़ी दर्द भरा। ये जो बयान जारी किया गया है, दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतारी रिजवी के जानिब से, कि जो तारीख़ लम्हे पाकिस्तान के नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसनैन शाह काज़मी, आपने कहा था कि दावत इस्लामी तहरीक लम्हे पाकिस्तान का एक सियासी विंग है, लेकिन इस पर बयान आ गया है अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी रिजवी का। बयान आ गया है कि ना हम किसी का सियासी विंग हैं, ना हम किसी सियासी विंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, और ना ही हम किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी जमात हमें अपना सियासी विंग बताकर ये साबित ना करे कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमारा दूर दूर तक सियासत से कोई लेना देना नहीं है और दूर दूर तक सियासत में हम हिस्सा ले नहीं रहे। तो इस पर उन्होंने मज़ीद कहा कि जो लोग हमारा नाम लेकर अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं या हमारी तारीख का नाम लेकर वोट हासिल करना चाहते हैं, तो हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हमारा किसी सियासी मजहबी जमात से कोई तलक नहीं है। जो लोग हमारा नाम लेकर अपनी जमात को ऊपर उभारने के लिए उठाने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये हम इसको कतई सही नहीं समझते। लेकिन जो अमीर अहले सुन्नत अलामा मौलाना इलियास कादरी का ये बयान आया है, तो इससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई है। बज़ात खुद मुझे भी तकलीफ़ हुई है कि ऐसा बयान उनको जारी नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग इस बयान को फेक भी कह रहे हैं। लेकिन तब तक हम इस बयान पर कोई रद्दअमल नहीं दे सकते जब तक कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर और मरकज़ी शूरा और नायब अमीर का इस पर रद्दअमल नहीं आ जाता। तो मेरी तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि तहरीक लबैक दावत इस्लामी वाले भी हमारे अपने दोस्त हैं, ठीक है जी, हमारे भाई हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई अगर जवाब जो सूरत हाल होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त तक कुछ शर पसंद अनासर इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ से फ़ायदा उठाकर हम दोनों की लड़ाई और झगड़े करवाना चाहेंगे। तो यही मेरी गुजारिश है कि इससे दूर रहें जब तक कायद मिल्लत इस्लामी अल्लामा हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी या तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा या नायब अमीर का बयान नहीं आ जाता, उस वक़्त तक आप इस पर खामोशी इख्तियार करें। मज़ीद जैसे ही इस हवाले से कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक बर्बाद पहुँचाई जाएगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा आपस में रब्ता जुड़ा रहे।